नमस्कार दोस्तों, ए टू स्पोर्ट्स क्रिकेट पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन होगा और इस मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स अपनी तैयारियों में लगी हुई है। दोस्तों, इस बार पंजाब किंग्स ऑक्शन में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहेगी। उनकी नज़र अपनी गेंदबाजी लाइनअप में सुधार करने पर सबसे ज्यादा है। टीम मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानती है कि इस बार ऑक्शन में कई भारतीय और ओवरसीज गेंदबाज नजर आने वाले हैं, वो फिर तेज गेंदबाजी हो या फिर स्पिन गेंदबाजी। पंजाब किंग्स को अपने दोनों डिपार्टमेंट में काम करना होगा। वैसे भी दोस्तों, आईपीएल 2023 में अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था और उसके बाद से लगातार इस साल उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। हाल में भी खेली जा रही कई सीरीज में अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हो रहे हैं, जो कि पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2024 से पहले अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में दोस्तों, इस बार टीम मैनेजमेंट की नज़रें स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर भी टिकी हैं, जिसमें टीम मैनेजमेंट को सबसे पहले एक ऐसा तेज गेंदबाज टारगेट करना होगा जो सीधा प्लेइंग 11 में खेल सके, क्योंकि दोस्तों अर्शदीप सिंह और कागिसोर अबाड़ा के साथ तीसरा तेज गेंदबाज कौन होगा? पंजाब किंग्स की लिस्ट में कई नाम हैं और इसके बाद अर्शदीप सिंह का बैकअप कौन होगा? तो दोस्तों, इस लिस्ट में भी पीबीकेएस कई नामों पर विचार कर रही है। इसके साथ ही स्पिन गेंदबाजी में भी एक बड़ा नाम पंजाब किंग्स की लिस्ट में हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन नामों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो पंजाब किंग्स की टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, और अगर वो प्लेयर्स पंजाब किंग्स ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाती है तो टीम मैनेजमेंट ने उनके अल्टरनेटिव के रूप में भी कई प्लेयर्स का नाम रखा है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हर डिपार्टमेंट में वो एक एक नाम कौन सा रहने वाला है जिसे पीबीकेएस टारगेट कर सकती है, बताएंगे आपको। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पंजाब किंग्स एक बार फिर आईपीएल ऑक्शन में एक अच्छे खासे बड़े पर्स के साथ आने वाली है, जहां पीबीकेएस के पास 29.1 करोड़ का बजट होगा। इस बजट के साथ पंजाब किंग्स इस बार अपनी गेंदबाजी में सुधार करना चाहेगी। टीम मैनेजमेंट के निशाने पर कई तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज रहने वाले हैं। पंजाब किंग्स राहुल चार के साथ अपने स्पिन डिपार्टमेंट को अपग्रेड करना चाहता है और इस लिस्ट में पहला नाम वानंदू हसरंगा का है। दोस्तों, आईपीएल 2023 राहुल चार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। आईपीएल के 14 मैचों में राहुल चार केवल 8 विकेट अपने नाम कर पाए थे। ऐसे में पंजाब किंग्स को इस बार स्पिन डिपार्टमेंट पर ध्यान देना होगा और इस लिस्ट में वानंदू हसरंगा का नाम सबसे आगे है, जो स्पिन के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी में भी टीम को विकल्प दे सकते हैं। दोस्तों, अगर पीबीकेएस टीम हसरंगा को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाती है तो उनके अल्टरनेटिव के रूप में टीम मुजीबुर रहमान, माइकल ब्रेसवेल, आदिल रशीद और ऋतिक शोकिन को टारगेट कर सकती है। इसके बाद नाम आता है शार्दुल ठाकुर का, और दोस्तों पीबीकेएस इस भारतीय ऑलराउंडर पर बड़ी राशि खर्च कर सकती है जो कि पंजाब के लिए नंबर 7 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और कागिसोर अबाड़ा अर्शदीप सिंह के साथ तीसरे गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर के अल्टरनेटिव के रूप में पंजाब किंग्स हर्षल पटेल, कार्तिक त्यागी, शिवम मावी और उमेश यादव को भी टारगेट कर सकती है। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में टीम हैरी ब्रुक के नाम पर विचार कर सकती है जो कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और जॉनी बेस्टो का रिप्लेसमेंट भी सकते हैं। अगर जॉनी बेस्टो का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो टीम उनकी जगह इस बल्लेबाज को मौका दे सकती है। दोस्तों, हैरी ब्रुक के अल्टरनेटिव के रूप में डेरिल मिचेल, रिले रोसो, रचिन रविंद्रा के नाम पर भी विचार कर सकती है। इसके साथ ही फिनिशर के रूप में टीम शाहरुख खान और शुभम दुबे को भी टारगेट कर सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़े नाम हो सकते हैं जिन पर पंजाब किंग्स इस बार आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन में नजर रख सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।